नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। दीपावली पर लोग अपने घरों में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करें। लोग चाहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी उनके घरों पर पधारे और उन्हें धन और संपन्नता से भर दे। ऐसे में माना यह भी जाता है कि राशि के अनुसार लक्ष्मी पूजन करने से उनकी कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ही जल्दी और बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि राशि अनुसार आप किस प्रकार माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिवाली का जो त्यौहार है वो इस साल 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली की शाम को भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी लोगों के घरों में विचरण करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। माना जाता है कि दिवाली पर किए गए कुछ उपाय बेहद सफल होते हैं। इस दिन राशि के अनुसार लक्ष्मी माता की पूजा सभी मनोकामना पूरा करती है। आइए जानते हैं कि किस राशि के लोगों को लक्ष्मी माँ की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। इस राशि के जातक माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा में माँ लक्ष्मी पर लाल रंग के फूल चढ़ाएं। इसके साथ पूजा में लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी का पूजा करके भी आप अपने लिए बहुत लाभदायक योग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। दूसरे नंबर की जो राशि है, वृषभ राशि की जो स्वामी है वो है शुक्र। इस राशि के जातकों को पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा और मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का भी जाप करना जरूरी होता है। फिर हम चलिए आपको बताते हैं मिथुन राशि के जातकों के। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। इस राशि के जातकों को दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में मोदक होता है वो चढ़ाया जाता है। इससे बाद आप अपने लिए धन के जो आशीर्वाद हैं वो माँ लक्ष्मी से मांग सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कर्क राशि के जातकों को किस प्रकार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। कर्क राशि पर चंद्रमा का शासन होता है। इस राशि के जातकों को दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे आपको हर मनोकामना में सफलता मिलेगी। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। इस राशि के लोगों को दिवाली के दिन एक साफ चौकी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। तो कन्या राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें कमल के फूल और खीर चढ़ाने चाहिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। अब अगर हम बात कर ले तुला राशि के जातकों के बारे में तो इस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र जो देव हैं। इस राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े अर्पण करने चाहिए और साथ ही लाल रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए। यह उपाय करने से वैवाहिक जीवन जो होता है वो तुला राशि का बेहतर माना। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। इस राशि के लोगों को लक्ष्मी पूजन के दिन देवी पर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम अगर बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। ऐसे में दिवाली की रात माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सफ़ेद रंग के कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे धन लाभ के योग बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी हैं शनिदेव। इसलिए इस राशि के लोगों को दिवाली के दिन शनिदेव के सामने तेल के दिए जलाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे जीवन में सौभाग्य और सफलता की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि के जातकों को दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को चांदी जैसी सफ़ेद धातु की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इससे जीवन में अनुकूल बदलाव आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी राशि जो है मीन राशि। मीन राशि के जो जातक के स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति देव। इसलिए आपको दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए और इस
से आपकी वैवाहिक जो जीवन है वो सुखी रहता है। तो देखिए, हमने 12 राशियों के जातकों के बारे में बताया कि माँ लक्ष्मी को आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं इस दिवाली, तो आप अपने अपने राशि अनुसार जान लीजिए कि क्या और किस तरह से आप क्या उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने घर में सुख संपन्नता ला सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।